रजनीश के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर सुनीता ने गौना सरकाने की बात अपनी माँ से की। माँ को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन जब सुनीता ने रजनीश की ख्वाहिश माँ को बताई तो उन्होंने उनके पिताजी से बात की। पिताजी ने गौने की डेट आगे सरकाने से बिल्कुल मना कर दिया। इस बात को लेकर रजनीश बहुत परेशान रहने लगा। उसे हर पल सिर्फ यही डर सताता था कि कहीं लता को ये ना पता चल जाए कि वो शादीशुदा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो है, तुम उसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बस यूं ही। किसी लड़की वड़की का तो चक्कर नहीं है? और अगर हुआ तो? हुआ तो मैं उसका गला घोट दूंगी, उसे जान से मार दूंगी और खुद ना खुद फांसी चढ़ जाऊंगी। बस बस बस। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि मेरे एक रिश्तेदार की लड़की है। लड़की? अरे पहले बात तो सुनो। अच्छा ठीक है, बोलो। मेरे एक रिश्तेदार की लड़की है, वो एक लड़के से प्यार करती है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले उन दोनों के खिलाफ हैं और वो लड़की चाहती है कि मैं उसकी मदद करूं। तुम क्यों? क्योंकि मैं उस लड़की को बचपन से जानता हूं, वो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, तब प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि उसके घर वाले हमारे रिश्तेदार हैं, मैं सामने जाकर उसकी मदद नहीं कर सकता और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। ठीक है। हाँ रजनीश, कैसे हो? राकेश भैया, सुनीता से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनीता, तुम्हारा फोन है भाई। किसका है भैया? किसका है देखो भैया। हेलो सुनीता, तुम आज मुझसे मिलने आ जाओ ना प्लीज। आप पागल हो गए हैं, इतनी रात हो गई है, कैसे आओ? हम कल मिलते हैं, ठीक है? नहीं सुनीता, तुम्हें अभी आना ही होगा। अभी? पर कैसे आऊंगी इतनी रात को, और वैसे भी बाबूजी ने गौने से पहले मिलने के लिए मना किया है। देखो सुनीता, बाबूजी को तुम कैसे भी करके मनाओ, लेकिन तुम आ जाओ ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पर अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें वापस घर छोड़ दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, एक मिनट तो मेरे बिना रह नहीं सकते। पता नहीं गौना आगे सरकाने की बात क्यों कर रहे थे। माँ, मैं अभी इनसे मिलकर आती हूँ। लेकिन बेटा, इस वक्त तुम्हारे बाबूजी आएंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी? माँ, कह देना कि मैं सपना के यहाँ गई हूँ। लेकिन बेटा, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इस वक्त जाना पड़ रहा है? कोई बात नहीं माँ, बस उनको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, ज्यादा देर मत करना, जल्दी वापस आ जाना। हाँ अब जाऊं। लो भैया फोन। अरे आप कहाँ चले गए थे, मैं तो घबरा ही गई थी। मैं यही देखना चाहता था कि मेरे ना मिलने पर तुम कितना घबराती हो। घबराना तो लाजमी है, आपकी पत्नी जो हूँ। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे। छोड़िए ना, यहाँ कोई देख लेगा। यहाँ है कौन देखने को? और वैसे भी मैं तुम्हारा पति हूँ ना, मैं भी कितना बड़ा एक बेवकूफ था जो तुम्हें गौना आगे बढ़ाने को कह रहा था। बल्कि गौना तो जल्दी हो जाना चाहिए,
पूरी तरह से पाना चाहता हूं। और अब तो विदाई करनी चाहिए। राकेश बेटा, तेरे बाबूजी सुनीता के बारे में 2-3 बार पूछ चुके हैं। तुम दामाद जी को फोन करके सुनीता को जल्दी से आने के लिए कह दो। ठीक है माँ। हेलो हेलो रजनीश, क्या है कि एक्चुअली बाबूजी घर पे आ गए, तो सुनीता को जरा जल्दी भेज दोगे? सुनीता तो चली गई। चली गई? कितनी देर हुई? यही कोई आधा घंटा हो गया उसे। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। माँ वो निकल चुकी है वहां से, आती होगी। तुम लोग मुझे सच सच क्यों नहीं बताते? कहाँ गई है सुनीता? जी वो सुनीता को दामाद जी ने बुलाया था तो मिलने चली गई। वो तो ठीक है, लेकिन वक्त का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? दामाद जी को फोन करके बोलो कि उसे जल्दी घर भेजे। बाबूजी मैंने फोन किया था, वो कह रहे थे सुनीता को निकले हुए काफी वक्त हो गया। काफी वक्त हो गया? फिर कहाँ रह गई वो? हाँ रजनीश बोलो। राकेश भैया, सुनीता घर पहुंची? अरे अभी तक नहीं पहुंची है। फिर कहाँ रह गई वो? यही सोच के तो हम भी परेशान हो रहे हैं। ठहरो, हम लोग कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं।